जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे दो न्यूमेरिकल हैं 5.9 और 5.10। इसमें 5.9 न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट को रीड करके इसमें से डाटा बनाएंगे। इसमें स्टेटमेंट में राइट किया गया है अपोलर सैटेलाइट इज एट 850 किलोमीटर। अब इसमें देखिएगा वर्ड आया है अबव, तो आपने याद रखना है जब कभी भी स्टेटमेंट में अबव का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि ये हमें हाइट गिवन है। तो सबसे पहले डेटा में आएगी हाइट इज इक्वल टू 850 किलोमीटर। तो आपको पता है कि किलोमीटर में हो तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। हाइट इज इक्वल टू 850 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 850,000 और यूनिट साथ क्या आ जाएगा, मीटर। तो आपने क्या करना है, हाइट आपको गिवन है, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। इट मींस ऑर्बिटल स्पीड का मतलब वी नॉट जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आपने वी नॉट फाइंड करना है तो वी नॉट का फॉर्मूला आप क्या राइट करेंगे, वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला आपने पहले सीखा है, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्केयर रूट जी आर प्लस एच। ठीक है, तो इसमें ग्रेविटी जो है ये कौन से वाली होती है, हाइट वाली। तो आपने जब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अब आपका जो सैटेलाइट है वो जमीन पे नहीं है, बल्कि सैटेलाइट होता ही वो है जो जमीन से अबव हाइट पे है। तो अबव हाइट पे होने की वजह से आप ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब सारी वैल्यूज यहाँ पुट करने लगेंगे तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो मिसिंग है। और ग्रेविटी की वैल्यू अगर आपके पास मिसिंग है तो ग्रेविटी सबसे पहले आप फाइंड करेंगे फॉर्मूला यूज करके, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले ये फॉर्मूला जो है इससे आपने ग्रेविटी फाइंड करनी है। यहां में अभी वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल जी इसकी फिक्स वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, कैपिटल एम फॉर मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 ओवर रेडियस, रेडियस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस हाइट जो हमें है वो 850,000 और यहां पे बाहर स्क्वायर है। अब आप कैलकुलेटर पे जब ऊपर वाली वैल्यूज इसी तरह से ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.003 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। तो स्टूडेंट्स, आपने नीचे वाली पूरी वैल्यू की जो है 6.4 प्लस 850,000 इसको आपने जब कैलकुलेटर पे राइट करना है तो आपका आंसर आएगा 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। अब आपने दोनों को जो है वो डिवाइड करना है और ग्रेविटी फॉर हाइट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 7.61 और ग्रेविटी की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ms-2, ये हमारे पास ग्रेविटी का आंसर आ गया जो कि हमें इसके लिए रिक्वायर्ड था। अब इसमें हम जी ग्रेविटी के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे 7.61 और आर फॉर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस एच हाइट, हाइट हमारे पास 850,000 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने ये पूरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर पे राइट करनी है ब्रैकेट्स लगा के, इसी तरह से जो है वो कैलकुलेटर पे जब हम राइट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5517,2500। तो आपने क्या करना है, आपने जब इसका स्केयर रूट फाइंड करेंगे और जब आप 5517,2500 का स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7427.81 और ऑर्बिटल जो स्पीड है इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, ms-1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड आ गई और 5.10 भी सेम ऐसे ही है।